आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और क्लास 9 की मैथ को, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेम जो है ना हमारे पास पार्ट 2 भी है, लेकिन उसमें क्या था, हमारे पास जो हमारे पास टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी की थी, लेकिन उसके अंदर हमने सिर्फ 3 या 4 को देखा था, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल है, 6 to 7 है, तो हम क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जितने भी पार्ट्स दिए होंगे, कौन सा हमारे पास जो पार्ट है वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे पास पार्ट दिए हुए हैं, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिसेस, कॉलम, आइडेंटिटी। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे यूनिट भी लिखा हुआ है, क्योंकि बाद दफा ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक कहते हैं, यूनिट को हम आइडेंटिटी कहते हैं, तो नन मैट्रिक्स एक होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को, पार्ट 1 को देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन कौन से है इसमें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम लोग डेफिनेशन पहले देखें, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होती है, वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x2, 3x3, 4x4 हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखें कौन कौन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास, अगर यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम नहीं है, इस पे देखें तो पार्ट 2 में भी हमारे पास सेम नहीं है, 3 में देखें तो ये हमारे पास पार्ट सेम है, एक हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है पार्ट, एंड और देखते हैं हमारे पास कौन सा आ रहा है, 3 and 4 आ रहा है हमारे पास, 2x2 का है वो भी, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये भी सेम नहीं है, यहाँ पे देखें तो सिंगल एक हमारे पास रो है, यहाँ पे सिंगल कॉलम है, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 8 है, एंड 8 हमारे पास क्या आ रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है 3x3 का, ये 3 rows and 3 columns और मैट्रिक्स। आगे आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 हमें क्या कहते हैं, पार्ट 2 में क्या है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन अगर हम लोग अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 rows है हमारे पास, 3 columns है, एक हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेम नहीं है। सेकेंड देखेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये सेम है, 4 हमारे पास सेम है, 5 को देखेंगे तो 3 हमारे पास क्या है, 3 rows हैं, 2 columns हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 के बाद हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 के बाद हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास क्या है, सेम नहीं है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे पास सेम है। और 9 को देखेंगे तो 9 हमारे पास ये भी सेम नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अब पार्ट सी को देखेंगे, पार्ट सी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिसेस कौन सी होती है, डेफिनेशन के मुताबिक कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होती है, एक रो होती है, कोई भी और नहीं होता। अब देखेंगे रो किसमें है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कॉलम है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है हमारे पास, 5 को देखेंगे 5 भी नहीं है, 6 हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा, इज रो मैट्रिसेस, ठीक है। पार्ट डी को देखेंगे, पार्ट डी हमारे पास क्या है, हमारे पार्ट डी कहते हैं कॉलम। कॉलम का क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास मैट्रिसेस जो डेफिनेशन है उसके सिर्फ के अंदर क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम देखेंगे वो हमारे पास क्या है, 2 में है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम। और इसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास कॉलम एक आ गया 7 में, ठीक है, 7 हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम है, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यार 2 भी है, कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है, 2 और 7, ये हमारे पास 2 क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मीन्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन देखें कि हमारे पास जो डायगनल होता है, डायगनल पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, और विदाउट डायगनल हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 6 हमारे पास क्या है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम लेंगे पार्ट एफ को। एफ हमारे पास पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास नल मैट्रिसेस कौन सा होता है। नल मैट्रिसेस की अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है कि जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो क्या होता है, 0 होती हैं। तो वो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9 है, इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिसेस होगा।
इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट हमारे पास कौन सी डेफिनेशन के मुताबिक है, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड के अंदर डेफिनेशन को रखना है और डेफिनेशन के मुताबिक आपने जो है ना इन पार्ट्स को सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपको जो है ना कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं तो आपको देता है पेपर में, तो इसलिए आपने थोड़ी सी डेफिनेशन को जो है ना अपने माइंड के अंदर अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे क्वेश्चन ईजिली आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।